हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त हुए 1983 पीटीआई अध्यापक अब राजनेताओं का घेराव करने में जुटे हुए हैं। आज रोहतक में भी भाजपा के सांसद अरविंद शर्मा का एक कार्यक्रम के दौरान घेराव करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते पुलिस वो प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई है। रोहतक में भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का आज नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन के उद्घाटन का कार्यक्रम था। सांसद अरविंद शर्मा, पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और जिला उपायुक्त आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इसी दौरान बर्खास्त पीटीआई अध्यापक कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुँचे और उन्होंने कार्यक्रम स्थल के अंदर घुसने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और इन प्रदर्शनकारी अध्यापकों के बीच आपसी धक्का मुक्की भी हुई। आखिर सभी प्रदर्शनकारी कार्यक्रम स्थल के गेट तक पहुंच गए और थालियां बजाकर अपना विरोध जताया, जिसके चलते कार्यक्रम स्थल के दरवाजे तक बंद कर दिए गए। बिना महिला पुलिस के ही महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिस रोकते हुए नजर आई। एक ही क्वेश्चन हमारा अरविंद शर्मा जी से, ग्रोवर जी से है कि हमें ये बताएं कि हमारी गलती क्या है। बस अब देखिए, हमारे को रोकने के लिए इन्होंने पुलिस बल भी बुला लिया है। हम कोई क्राइम नहीं है, मुजरिम नहीं है, हमारी मांग कोई ऐसी नहीं है कि नाजायज है। तो हम ये चाहते हैं मीडिया के माध्यम से भी आप दिखाएं कैसा अत्याचार, हमारे बच्चे आज रोड के ऊपर बैठे हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारी साथी हैं, महिलाओं से एक बार विधवा भी होगी, आप इनसे एक बार पूछो, बात कीजिएगा इनसे कैसे उनके बच्चे आज रोड के ऊपर बैठे हैं। हमारे बहुत साथी जो ड्यूटी के दौरान भगवान को प्यारे हो गए हैं, आज उनके पास कोई चारा नहीं है, कहाँ से वो रोटी लेके आएंगे। सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि भाई पीटीआईयों को बहाल करो वापिस से। बस सिंपल एक ही बात है कि जितने भी पीटीआई उनको बहाल कर दो। जब गलती नहीं है, संजय भाटिया जी एमपी कह रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, मैं वादा करता हूँ, ठीक है ना, तो जब गलती नहीं है तो इनको बहाल कर दो। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अरविंद शर्मा इन बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों के बीच पहुंचे, उनकी मांगों को सुना। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिस वजह से उनकी नौकरी गई है, लेकिन फिर भी वो हर कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए जो भी मदद हो सकेगी मदद करेंगे और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। ये ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का, आप हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, इससे बड़ी कोर्ट तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, फिर भी हरियाणा सरकार की तरफ से कोशिश करी जा रही है, एडवोकेट जनरल से भी और एक्सपर्टों से भी चर्चा की जा रही है कि किस तरह से क्या इसका समाधान निकल सकता कुछ ऐसा। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद जो कोर्ट ने फैसला किया है उसके में सरकार की इंटरफेरेंस बहुत कम रहती है। बहरहाल अब देखना होगा कि हरियाणा में जगह जगह हो रहे धरना प्रदर्शन का सरकार पर क्या असर पड़ता है। देवेंद्र शर्मा, टोटल न्यूज़, रोहतक।